प्रेज द लॉर्ड। आप सभी विश्वासी बहन भाइयों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका स्वागत है परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। और प्रार्थना करने से पहले आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में परेशानियाँ हैं, अगर आप समस्याओं में घिरे हैं, बीमारियों में घिरे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो इसके लिए आइए हम पढ़ें यूहन्ना अध्याय 5 वचन नंबर 25 लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृत्यु को परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वह जिएंगे। हालेलुया। और 28 में लिखा है, इससे अचंभा मत करो क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है वह उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ये वो समय चल रहा है जिसमें लोग जब परमेश्वर का वचन सुनेंगे, जब परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, तो वो क्या होगा, तो मृतक लोग भी जो है वो जी उठेंगे, कब्रों में से उठ जाएंगे। जब ये वचन मेरे प्रियो मुर्दों को भी कब्रों में से जिंदा कर सकता है, तो ये कब्र जो आज आपके चारों ओर है, हो सकता है वो कर्जे की कब्र हो सकता है वो बीमारियों की कब्र हो सकता है किसी भी प्रकार की कोई परेशानियों ने आपको घेरा हो, क्या आज आपको ये वचन उस कब्र में से बाहर नहीं निकाल सकता। मेरे प्रियो, अगर आप विश्वास के साथ परमेश्वर के इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं, अगर आप विश्वास के साथ इस वचन को अपने जीवन में रिसीव कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो आज ये वचन आपको क्या करेगा, आपको हर प्रकार की कब्र से बाहर निकालेगा। आज आपको ये वचन आपको बीमारी में से भी बाहर निकालेगा और मुश्किलों में से, हर प्रकार की समस्याओं में से बाहर निकालेगा। लेकिन आपको इस वचन पे क्या करना है, भरोसा करना है। जैसे लिखा है वचन नंबर 28 में कि अचंभा मत करो, ये मत सोचो कि ये क्या होगा, क्या ये मेरे जीवन में काम करेगा, क्या ये वचन मेरे जीवन में पूरा होगा। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि अचंभा मत करो, ये होगा और जरूर होगा, जो कब्रों में भी पड़े हैं परमेश्वर का ये शब्द सुनकर वो निकल आएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा, आज अपने शब्दों के द्वारा आपको हर उस बंधन से आज़ाद करेगा, हर बीमारी से आज़ाद करेगा। मती रची अध्याय 13 और वचन नंबर 16 और 17 अगर हम पढ़ें तो लिखा है, पर धन्य है तुम्हारी आँखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान के वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्य वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि तुम धन्य हो, तुम्हारे कान धन्य है, तुम्हारी आंखें धन्य है कि तुम इन वचनों को देख रहे हो और इन वचनों को सुन रहे हो। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको धन्य कह रहा है, आपको आशीष कह रहा है इस वचन के द्वारा कि तुम इस वचन को सुन रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भविष्य वक्ता हुए हैं जो वचन बताता है कि उन्होंने चाहा कि परमेश्वर के इस वचन को सुने, लेकिन वो सुन नहीं पाए, वो परमेश्वर के इस वचन को देखें लेकिन वो देख नहीं पाए। मेरे प्रियो, आप धन्य हैं कि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं। तो आज यही वचन आपको आज हर समस्या से बाहर निकालेगा, ये वचन आपको आशीष करेगा। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपको आपकी हर समस्या से आज, हर परेशानी से, बीमारी से आजाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद परम परमेश्वर पिता, हम आपकी पवित्र हजूरी में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हे खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए कि आपने पूरी रात भर हमें अपने सुरक्षित हाथों में संभाला, हमें अच्छी नींद दी। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर सुबह, आज का ये दिन, पवित्र दिन आपने हम सबों के जीवन में दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे परम परमेश्वर पिता, हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं कि आपने पूरी रात भर अपने सुरक्षा में हमें संभाल के रखा।
हे परमेश्वर, हम आपकी दया, आपका अनुग्रह इन सभी जो इस समय ये प्रार्थना सुन रहे हैं और विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं, सभी मसीही बहनों और भाइयों के जीवन में मांगते हैं। हे खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जो इस समय पिता परमेश्वर जो बीमारियों में है, जो समस्याओं में है पिता, उन सबों की बीमारियाँ आप दूर करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज हर बीमारी, हर बंधन टूटे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ इन सभी जनों को छुए और इनके जीवन में से हर बीमारी को दूर करें प्रभु यीशु के नाम से। हे खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका वचन कहता है कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। पिता, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए और इन सबों के जीवन में इनके जो उत्तर ये चाहते हैं वो उत्तर दीजिए पिता। अपनी दया इन सबों के जीवन में दिखाएं मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने स्वर्ग दूतों को इनके चारों ओर भेजें पिता, कि इन्हें सही मार्ग दिखाएं और इन्हें हर बीमारी से, बंधनों से आज़ाद करवाएं मेरे खुदा बाप। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर सुबह के लिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और सभी मसीही बहन भाइयों को, सभी मसीही परिवारों को मैं आपकी हाथों में छोड़ती हूँ पिता, कि जब ये आज अपने कामों के लिए निकलें, हे खुदा बाप, आप इन्हें हर प्रकार से, हर तरफ से मेरे पिता परमेश्वर इन्हें सुरक्षित रखें और इनको कामयाबी दे मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की।